महंगाई ने चकरा दिया, तनख्वाहों में इजाफा हुआ, ना ही यूटिलिटी अलाउंस मिले, एपका मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुस्तकिल ना करने पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन नासिर बाग में सरापा एहतजाज। स्टंट खत्म, दिल के मरीजों को मौत का धड़का, स्टंट की खरीदारी के लिए सेंट्रल रेट्स की अदम मंजूरी, फाइल एक माह से महकमा सेहत की राहदारी में गुम, हॉस्पिटल्स में स्टंट्स नायाब, मरीज खार, जल्द अद्वियात और स्टंट्स खरीद लेंगे, यास्मिन राशिद ने तसल्ली दे दी। लोहे के चने तो मैंने चुबाए थे और पेट में दर्द इनके हो रहा है, इंशाल्लाह ताला वो लोहे के पीतल साहब आप चुबाए जाएंगे और असेंबली के अंदर इंशाल्लाह चुबाएंगे आप। लोहे के चने तो मैंने चबाए थे, पेट में दर्द इनके हो रहा है, तरीके इंसाफ मेरिट पर जीत कराई, ऑपोजिशन को मेरी कामयाबी हजम नहीं हो रही, अदलिया आजाद है, जो फैसला होगा मेरिट पर होगा, असद खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। खबरदार होशियार, हैकर्स शहर में सरगर्म, लोग बैठे बिठाए कंगाल होने लगे, शहरियों की ऑनलाइन और एटीएम कार्ड में रकम के सफाई का फ्रॉड जारी, जौहर टाउन का शहरी अकबर 6 लाख गंवा बैठा, अकबर के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए, सदाकत नामी शख्स के भी 25 लाख गायब, एफआईए में शिकायत के अंबार, शहरियों की दादरसी ना हो सकी, लुटने वाले बैंक। शहर की जेलों में बंद कैदियों को दोहरी सजा, इलाज मुआलजे की सहूलियात का फुकदान, मूजी अमराज की कैद भी काटने पर मजबूर, सेंट्रल जेल में 19, डिस्ट्रिक्ट जेल में 15 कैदी एड्स की बीमारी का शिकार, हेपेटाइटिस, टीबी और दीगर मूजी मर्ज के मरीज भी लातादाद, महकमा जेल खाना जात की रिपोर्ट ने भाड़ा फोड़ दिया। लाहौर के व्हाइट हाउस की बुनियाद ही रखी गई खराब, खोखर पैलेस की तामीर में काली नीयत, गड़बड़ घोटाला, 7 मोजा जात का 1 मोजा बनाया गया, इंतकाल कवानीन के बरक्स हुआ, तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मुकम्मल, मजीद इंकशाफात से पर्दा उठ गया, मोजा जात का इंजमा खारिज किया जाए, तहकीकाती टीम ने महकमा माल को सिफारिश दे दी। जमीनों पर कब्जे का मामला, खोखर बरादरान के एक मरतबा फिर अदालत पेशी, सेशन कोर्ट ने अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर और शफी खोखर की बुरी जमानतें मंजूर कर ली, 19 जनवरी तक पुलिस से रिपोर्ट तलब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तिब्बी हालत, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत मंजूरी की दरख्वास्त की तैयारी, वकला की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमानत का ड्राफ्ट तैयार, दरख्वास्त जमानत आइंदा चंद रोज में लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, करप्शन इल्जामात को बुनियाद नहीं बनाया जाएगा, जराए। वफाकी वजारत कानून की शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक केस की तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मरासला अरसाल, केस के फैसले की कॉपी जल्द अज जल्द फराहम की जाए, वफाकी वजारत कानून शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में केस जेर अल्तवा है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने का इंदिया दे दिया, कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर कल हिस्बे इख्तलाफ से बातचीत होगी, किसी काम को अना का मसला नहीं बनाएंगे, मीडिया से गुफ्तगू, पंजाब असेंबली का 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से शुरू। कूड़े के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज के संग, लाहौर न्यूज की निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनीज शहर को चमकाने में मसरूफ, आरामदा कमरों में बैठे अफसर पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 150 वर्कर्स का खसूसी सफाई स्क्वाड तश्कील, शहर के पसमानदा इलाकों की सफाई हंगामी बुनियादों पर की जाएगी, शहर को खूबसूरत बनाना वलीन तरजीह है, MD LWMC। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे, अगर गंदगी और ताफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर, हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक।
شدید ٹھنڈ میں توانائی بحران نے جو سر اٹھایا ہے تو عوام کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ گھروں کے چولوں میں گیس نہیں ہے، بجلی کی بار بار بندش تھے، اندھیرے بھی چھائے ہیں۔ ایل پی جی مافیا نے بھی حد کر دی۔ ایل پی جی 115 روپے کی بجائے 185 سے 200 روپے میں فروخت۔ لکڑی، کوئلے سمیت ایندھن کے دیگر متبادل ذرائع کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، شہری دوہری اذیت کا شکار۔ توانائی کا بحران، اوپر سے مہنگائی کے گھیرے، عوام پھنس کر رہ گئے۔ ایک ہی روز میں مختلف سبزیوں کی قیمتوں میں 5 روپے تک اضافہ۔ ٹماٹر کی قیمت کا سن کر ہی رنگ لال، 20 سے 30 روپے فی کلو سرکاری ریٹ، 40 روپے سے کم نہیں بک رہا۔ مرغی کا گوشت 9 روپے سستا، عوام نے کچھ تو سکھ کا سانس لیا۔ توانائی بحران پر جلد قابو پا لیں گے۔ سرکاری اداروں، عدالتوں اور تعلیم اداروں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ بجلی بحران کے باعث بند ہونے والی 100 ملوں کو بحال کر رہے ہیں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر محمد اختر ملک۔ مزنگ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہیپاٹائٹس فلٹر کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا۔ ایمرجنسی میں مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں، سال کے آخر تک صوبے بھر میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور نیوز کی نشاندہی پر ایک اور سرکاری ادارے کا بھلا۔ محکمہ ماحولیات نے فضائی آلودگی کے ڈیٹا سے متعلق ابہام دور کر دیا۔ محکمہ کی آفیشیل ویب سائٹ اور موبائل ایپ پر آلودگی انڈیکس یکساں کر دیا گیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے فضائی آلودگی کا متضاد انڈیکس دینے سے شہری تذبذب کا شکار تھے۔ اور شہر میں ایک بار پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ صبح سویرے دھند کے ڈھیرے، پھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، سردی کی شدید لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے موسم جون کا توں رہنے کی پیشگوئی کر دی۔